नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। आज का टॉपिक है कि कैसे 50 लाख के वर्थ का घर फ्लैट फ्री में ले सकते हैं विदाउट ईएमआई। तो सबसे पहले देखते हैं कि 50 लाख का कोई घर लेना है, 20 साल तक हमारे पास पैसा लमसम अभी नहीं है, 20 साल तक ईएमआई चले तो ईएमआई आता है 45,000 रुपया लगभग पर मंथ। यहाँ पे देखते हैं 50 लाख रुपया रखा है, होम लोन लेते हैं 20 साल के लिए, 9% का अगर ब्याज हो तो 44,986 रुपया आता है। सारा कुछ जोड़ जाड़ के करेंगे तो लगभग 45,000 रुपया ईएमआई आता है। तो ये 45,000 का ईएमआई में एक घर लेते हैं, अभी एज 30 साल से कम है, 30 साल 35 साल के अंदर है, और पता नहीं कि कहाँ कहाँ पोस्टिंग जाएंगे, कहाँ कहाँ जॉब चेंज होगा। और एक जगह घर अगर ले लिया तो पता चलता है कि आप दूसरे जगह रेंट पे रह रहे हैं और यहाँ किसी और को रेंट पे लगा दिए हैं। अगर तो ऐसा नहीं करते हैं, प्लान बी चेंज करते हैं कि 15,000 रुपये से कम में आपको कहीं भी किसी भी शहर में 50 लाख के वर्थ का फ्लैट घर आपको रेंट पे इजीली मिल जाता है, 10,000 12,000 15,000 के अंदर। पर मैं 15,000 रुपया कैलकुलेट कर लेता हूँ, और 30,000 रुपया जो बचा आपके जेब से, 45,000 रुपये पर मंथ जा रहा है, 30,000 रुपये पर मंथ बचा, इस 30,000 रुपये पर मंथ को अगर इन्वेस्ट करते रहे तो क्या होगा इसमें देखते हैं। यहाँ पे आपको क्यों फ्लैट और घर पे पहली बार में ही लगाना चाहते हैं, जैसे जब हुआ एक घर लेते हैं लगता है कि यहाँ पर इन्वेस्ट कर देंगे तो करोड़पति बन जाएंगे। कुछ देर के बाद, कैलकुलेशन के बाद आपका गेस्टाल्ट बदल जाएगा। गेस्टाल्ट क्या होता है, एक फोटो देखते हैं ना, इधर से देखेंगे तो शिव जी लगेंगे, इधर से देखेंगे तो पार्वती जी लगेंगे, वो गेस्टाल्ट। तो गेस्टाल्ट बदल जाए, यहाँ पे लग रहा है आपको वर्थ ज़्यादा है, थोड़ी देर के बाद यहाँ पे आपको वर्थ ज़्यादा नजर आने लगेगा, तो गेस्टाल्ट बदल जाएगा आपका। यहाँ पे देखते हैं कि 30,000 रुपये पर मंथ 20 साल तक करते रहे SIP, 12% का रेट अगर रिटर्न यहाँ पे मिलता है, यहाँ स्टार SIP में गए 30,000 रुपये पर मंथ 20 साल तक, 15% का रिटर्न यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ 12% अगर मिलता है तो पैसा बनता है 2,99,00,000 रुपया, और 13% का रिटर्न अगर कैलकुलेट SIP में जनरेट करके देता है तो बनता है 3,43,00,000, और 15% के रेट से बन जाता है 4,54,00,000। तो 12 से 15 के बीच 3 करोड़ से लेके 4.5 करोड़ तक वेरी करता है रिटर्न, कितना मिलेगा वो फ्यूचर ही बताएगा, लेकिन 12 से 15 के बीच अगर मानते हैं तो 3 से 4.5 करोड़ के बीच मिलता है। 20 साल के बाद जितना घूमना है घूम लिए, पता नहीं था जहाँ जहाँ गए सब कुछ पता चल गया, अब आपको ये भी पता चल गया कि कहाँ पे रहना है, कौन सा शहर पसंद आ गया, कहाँ रहना है, तब तक बच्चे भी बड़े हो गए, अब शादी करने का टाइम आ गया। अब अगर घर लेना है, उस समय तो उस जमाने में घर लिए नहीं, सपनों का घर, तो 20 साल के बाद जब घर लेंगे तो 4%, 3 से 4% के रेट से फ्लैट का वृद्धि होता है। मैं 4% का रेट मानता हूँ, 50 लाख का फ्लैट 20 साल के बाद 4% का इंक्रीमेंट हो तो वो घर मिलता है 1,09,10,00,000 का। 1,09,00,000 का हुआ, मैं मान के चलता हूँ 1,40,00,000 तक का मिले, तो 3,40,00,000 आपने बनाया था एवरेज, यहाँ पे मैं 13% का रिटर्न पकड़ूँ तो 3,40,00,000 रुपया SIP से बना था, 30,000 रुपये पर मंथ जमा करते गए, 3,40,00,000 में जो घर खरीदा नहीं था, रेंट पे रह रहे थे उसको खरीदा 1,40,00,000 में, तो इसको इसमें माइनस करेंगे 2 करोड़ रुपया सरप्लस बच जाएगा। इससे मिल गया आपको फाइनेंशियल फ्रीडम, जहाँ मर्जी है काम कीजिए, एकदम ऑफिस के बगल में रहिए, जरूरी नहीं है ट्रेवल करना है, जहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं वहाँ रहिए। अब 2 करोड़ जो सरप्लस बच गया, अब यहाँ पे आप पूछेंगे कहाँ इन्वेस्ट करूँ 30,000 रुपये पर मंथ, तो लाइव एग्जाम्पल लेते हैं फंड के साथ कि 30,000 रुपये पर मंथ करते हैं, यहाँ SIP के सेक्शन में गए, इस ग्राफ को टच किया, मिड कैप कैटेगरी सेलेक्ट किया है, आने वाले 20 साल तक में तो दिखा नहीं सकते हैं, पिछला 20 साल का रिकॉर्ड है, 30,000 रुपये पर मंथ, पहला फंड आता है सुंदरम मिड कैप, 30,000 रुपये पर मंथ 2003 से अब तक 72 लाख जमा हुआ, 5,67,00,000 बनाया है, लगभग 18% का रिटर्न दिया है। दूसरा फंड है निपोन इंडिया ग्रोथ फंड, 72 लाख रुपये यहाँ भी जमा हुआ है और पैसा है 5,61,00,000 रुपया, इसका अगर AUM देखते हैं तो 17,000 करोड़ है, इसमें है 8,000 करोड़। फ्रैंकलिन इंडिया प्राइमा 72 लाख यहाँ भी जमा हुआ है, पैसा बना है 4,83,00,000। सबसे नीचे बॉटम का फंड देखते हैं तो 13.92 क्वांट मिड कैप ने बनाया है 3,45,00,000, हमने 13% ही कैलकुलेट किया है, एवरेज रिटर्न 16% के रेट से मिला है। तो इस तरह से करके धीरे 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 करके 30,000 रुपया करके लगभग 3 3.5 करोड़ बन जाता है।
अब जब 2 करोड़ रुपया सरप्लस बचा तो यहां से हमको पेंशन लेना है, रिटायरमेंट भी ले लिया 20 साल के बाद, बच्चे सेटल हो गए, 2 करोड़ रुपया रखा हुआ है, यहां से 1,20,000 रुपये पर मंथ पेंशन लेना शुरू किए। यहां हम पेंशन में गए, स्टार एस आई पी डॉट इन में पेंशन में गए, पहले एस आई पी में गए थे, फिर लमसम देखा, अभी एच डब्ल्यू पी देखते हैं। 2 करोड़ रुपया लगाया था, लगाया और 1,20,000 रुपये पर मंथ लेना शुरू किया, आने वाले 15 साल तक 10% का रिटर्न डिलीवर करे तो 2 करोड़ 16 लाख विड्रॉ कर लिया पेंशन के तौर पे, और बैलेंस बाद में बचेगा 3 करोड़ 89 लाख। यदि 20 साल जिंदा रहेंगे तो क्या होगा, 25 साल जिंदा रहेंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे पेंशन भी बढ़ता गया और ये बैलेंस भी बढ़ता गया। चाहे तो हम इस पेंशन को भी धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं, 1,20,000 है, 1,50,000 कर सकते हैं, 1,60,000 कर सकते हैं, 2 लाख कर सकते हैं, एज पर रिक्वायरमेंट हम इसको बढ़ा सकते हैं। अब यहाँ पे लाइव रिकॉर्ड देखते हैं कि कौन सा फंड यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया है, पेंशन मेन्यू 6 में एच डब्ल्यू पी पेंशन सेलेक्ट किया है, स्टार एस आई पी डॉट इन में। स्टार एस आई पी डॉट इन विजिट करेंगे तो कोई लॉग इन नहीं करना है, कोई पासवर्ड नहीं जनरेट करना है, इसका ऐप भी आ गया है, ये सारा चीज जो कैलकुलेशन मैं बता रहा हूँ ऐप में जाके, एंड्रॉयड एप्पल में जा करके या वेबसाइट पे जाके सारा कैलकुलेट अपने आप कर सकते हैं। पहला फंड है SBI इक्विटी हाइब्रिड, ये पिछले 10 साल का रिकॉर्ड है, 2 करोड़ रुपया रखा और 1,20,000 रुपये पर मंथ लेना शुरू किया। यहाँ डिटेल दिया हुआ है 2013 से लेके अब तक, कब तक, 2023 तक, तो टोटल ड्रॉ किया 1,54,00,000 और बैलेंस बचा हुआ है 7,49,00,000। समझ में नहीं आएगा रिटर्न, 15.97 से इतना ही रिटर्न आता है। आईसीसी पोटेंशियल इक्विटी एंड डेट 2 करोड़ रुपया यहां पे रखा, इसका वर्थ देखेंगे, एयूएम देखेंगे तो 24,000 करोड़ है। यहां पे विड्रॉ किया 1,54,00,000, बैलेंस बचा है 8,99,00,000, लगभग 9 करोड़ रुपया। तो पहला फंड वो था SBI का, दूसरा आईसीसी, तीसरा HDFC और चौथा कैनरा। इसमें आप पेंशन पैसा डाल करके ऑप्ट कर सकते हैं, पेंशन ले सकते हैं। तो इस तरह से एकदम जीवन जिएंगे तो किसी का लोन EMI चक्कर काटने की जरूरत नहीं, जहां रहिए सुखी पूर्वक रहिए, धीरे धीरे अपने जीवन के पैसे को इन्वेस्ट करते रहिए, 20 साल का टारगेट रखिए, फाइनेंशियल फ्रीडम मिल जाएगा आपको। इसी तरह म्यूचुअल फंड के बारे में और कुछ जानना है, इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना है, तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। आप चंडीगढ़ के आसपास रहते हैं तो फाइनेंशियल प्लानिंग का क्लास हमसे करा सकते हैं। फाइनेंशियल प्लानिंग के क्लास का कोई चार्ज नहीं है। आपको म्यूचुअल फंड में शुरुआत करना है तो दिए हुए ऐप में रजिस्ट्रेशन करने के बाद हमसे जुड़ सकते हैं। ऐप का और मेरे सर्विस का लाइफ टाइम कोई चार्ज नहीं है। वीडियो अच्छा लगे तो व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी में दोस्तों के बीच इसे जरूर शेयर करें। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।